गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज इरा। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मेरा हॉस्पिटल बैग में मैं क्या क्या ले जाने वाली हूँ। सो आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई एम 36 वीक्स प्लस प्रेगनेंट टुडे एंड बेबी कभी भी आ सकते हैं। सो मैंने सोचा कि मैं अपना बैग रेडी कर लूँ और ऑल्सो मैं आपको शेयर करती हूँ कि इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग विद द बैग, दिस इज अ वेरी क्यूट यूनिकॉर्न प्रिंट बैग जो मेरे बेबी शावर में मेरी बहुत स्वीट फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था। एंड इट्स सच अ नाइस बैग कि इसमें बहुत सारे पॉकेट्स है, यूटिलिटी फ्रेंडली, एंड इट्स बेसिकली अ डाइपर बैग जो आगे बेबी के लिए भी काम आएगा। तो दैट्स अबाउट इट। एंड देन इसमें ये लॉक है। सो स्टार्टिंग विद माई फेवरेट पार्ट इज द न्यू बॉर्न आउटफिट। तो ये मेरे हस्बैंड और मैंने मिलकर सेलेक्ट किया है। इसमें कैप है, मिटन्स है और मोजे है और एक कॉर्ड का सेट है। मैंने ये वॉश कर लिया है, इसमें एंटी बैक्टीरियल कोटिंग है, लेयरिंग है। तो मैंने इस सबको बेबी डिटर्जेंट से वॉश कर लिया, इसके टैग्स रिमूव कर दिए हैं। इसमें सिल्वर टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है और ये प्योर कॉटन है, तो स्किन फ्रेंडली। इस सबको वॉश करके मैंने दोबारा पैक कर दिया है, तो इसके टैग्स नहीं दिख रहे हैं। नेक्स्ट इज दिस रियली सॉफ्ट एंड क्यूट बेबी ब्लैंकेट। और ये क्योंकि हम हिल्स में रहते हैं और यहाँ पे अभी भी सर्दी है काफ़ी, तो दिस इज़ फॉर द बेबी टू रैप द बेबी। इसको भी मैंने वॉश कर लिया है, ये भी एंटी बैक्टीरियल और सिल्वर टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। बैम्बू या प्योर कॉटन के कपड़े बच्चों के लिए एडवाइज्ड है, तो दिस इज दैट। इसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, टॉयलेटरीज। तो ये मैंने पैक कर ली है। इसमें मेरा बॉडी लोशन है, फेस वॉश है, बॉडी वॉश है और थोड़ा सा टैल्कम पाउडर है जस्ट अगर स्टिकी होता है, और वैसलीन है। सबको मैंने लेबल कर दिया है ऐसे। वैसलीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप बहुत सारा फ्लूइड लूज करते हो और बहुत एग्जॉशन होता है, तो उसके लिए टू कीप योर लिप्स सॉफ्ट एंड मॉइस्चराइज वैसलीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने लिप बाम और वैसलीन के छोटे छोटे पैकेट बना के इधर उधर हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करके रख लिए ताकि मुझे ईजिली मिल जाए। मैं आपको दिखाऊंगी, बट फिलहाल ये मेरा ट्रैवल किट है जिसमें मैंने टॉयलेटरीज रखी हैं। नेवर इनफ टॉयलेटरीज, एक और पैक है मेरे पास टॉयलेटरीज का। इसमें मैंने हेयर टाइज रखे हैं विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हेयर टाइज भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट करके रखे हैं क्योंकि यू हैव टू पुश इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी एंड यू गोइंग टू पुश, बहुत स्वेटिंग होती है एंड द लास्ट थिंग यू वॉन्ट इज हेयर मेसिंग अप ऑन योर फेस, तो वो है। और फिर शैम्पू है, एक छोटा सा शैम्पू रखा है मैंने। मोस्टली आई माइट नॉट बी टेकिंग बाथ बट माई हस्बैंड इज ऑल्सो अकम्पनिंग, तो मैंने सारी चीज़ें वैसे थॉटफुली पैक करी हैं। हैंड वॉश है, हैंड वॉश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली आफ्टर कोविड। हमें पता है कि हैंड वॉश करने की इंपॉर्टेंस कितनी है। यू कैन जेंटली ऑफर इट टू एनीबडी हु इज विजिटिंग फ्रॉम आउट स्टेशन और आउटसाइड टू सी द बेबी, तो आप इसको दे सकते हैं हैंड वॉश करके बेबी को उठाने के लिए। इवन आई एम कैरिंग अ लिटिल स्मॉल पॉकेट सैनिटाइजर, कभी कभार ये भी हैंडी आता है। और देन आई एम कैरिंग अ स्मॉल, वेरी स्मॉल टीन टाइनी बॉटल ऑफ बॉडी बायो ऑयल। आई एम नॉट श्योर हाउ मच आई एम गोइंग टू यूज इट बट आई एम जस्ट कैरिंग इट। और देन रेगुलर टूथब्रश एंड टूथपेस्ट, ये मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा नए मैं पैकेट्स में ऑर्डर करती हूँ 4-5 बंच में, तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा पैक कर लिए बिकॉज आई डोंट नो व्हेन आई हैव टू रश टू द हॉस्पिटल। तो एग्जिस्टिंग नहीं बट आई हैव जस्ट पैक द वंस दैट आई हैड एक्स्ट्रा विद मी एंड टूथपेस्ट। सो दैट्स अबाउट द सेकेंड टॉयलेटरीज बैग। नेक्स्ट इज माई लेबर टूल किट बैग। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी क्योंकि अगर इसमें मैं खोल के दिखाने लगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अ नॉर्मल डिलीवरी दिस इज़ गोना कम रियली हैंडी। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो पेन एलिविएट करने के लिए हेल्प करेंगी। इसमें भी मैंने वैसलीन डाली हुई है बिकॉज व्हेन यू आर पुशिंग बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और पसीना आता है, तो आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो एंड प्रॉब्ली लिंक इट अप ऑन दिस वीडियो। नेक्स्ट आर दीज निपल पैड्स, क्योंकि वंस द डिलीवरी इज डन और इवन बिफोर आप द ब्रेस्ट स्टार्ट लीकिंग, तो ये बहुत अच्छे रीयूजबल ब्रीदेबल लेयर है, इकोनॉमिकल भी है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है और क्लोथ्स के नीचे दिखते भी नहीं है, काफ़ी कंफर्टेबल फिट है। और सबसे अच्छी बात है कि वॉशेबल और रीयूजबल है, तो यू कैन जस्ट इंसर्ट इट इनसाइड योर नर्सिंग ब्रा एंड बोला। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज दिस अल्ट्रा अब्सॉर्बेंट डिस्पोजेबल पीरियड पैंटीज। तो ये कुछ इस तरह से दिखती हैं, दीज आर लाइक होल डाइपर पैंटीज फॉर लेडीज बिकॉज ऑब्वियसली यू आर गोना ब्लीड हैविली डाउन देयर। तो आई एम कैरिंग टू पैकेट्स ऑफ इट। सबको अलग अलग नीड होती है, सभी हो सकते हैं कि आपके हॉस्पिटल वाले प्रोवाइड करें, सो आई एम एनी वे कैरिंग इट बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि वो किस क्वालिटी की प्रोवाइड करेंगे और कितना अब्जॉर्प्शन होगा, बट आई वॉन्ट बी मेक श्योर दैट आई एम वेरी कम्फर्टेबल
तो आई एम कैरिंग दिस. इसमें ब्लू कलर का वेस्ट बैंड एंड हाउ टू वेयर एंड हाउ टू लाइक मेक श्योर दैट इट फिट्स प्रॉपरली, इसमें सब कुछ दिया हुआ है. एंड देयर विल बी नो लीकेज ऑन साइड्स ऑल्सो. देन ऑब्वियसली आई एम कैरिंग अ लिटिल मेकअप बिकॉज वापस घर आऊंगी तो विद द बेबी वी आर प्लानिंग अ लिटिल प्रॉब्ली सम पिक्चर्स विल टेक. तो आई वॉन्ट लुक गुड. एंड इसके लिए बहुत ही बेसिक सा है, इसमें कोम्ब है, अगेन हेयर टाइज एंड वैसलीन, एक लिपस्टिक है एंड जस्ट लाइक सम काजल. दैट्स इट. अगेन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज स्नैक. सो आई एम कैरिंग सम नट्स बिकॉज अगर लेबर लंबा चलता है या बहुत देर तक वहाँ वो एनर्जी लूज होती है तो आई शुड हैव समथिंग हैंडी फॉर मी. सो दीज आर जस्ट नट्स पैक. ऑल्सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिस इज अ स्टोल दैट आई एम कैरिंग. आई लव द कलर ऑफ इट और ये मुझे नर्सिंग में काम आएगा. इफ आई एम नर्सिंग एंड देर आर पीपल सो आई कैन जस्ट वेयर इट एंड लुक स्टाइलिश ऑल्सो. लव द कलर एंड लाइक जस्ट फील कम्फर्टेबल एज वेल. इसके बाद अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दीज मटर्निटी पैड्स. सो जो आपके नॉर्मल रेगुलर पैड्स हैं दे वोंट बी यूजफुल इन दैट केस बिकॉज बहुत ज़्यादा हैवी फ्लो होता है. अगेन ये तो सब पे अलग अलग डिपेंड करता है, सबकी बॉडी अलग होती है. बट यूजली टिपिकली जो पीरियड फ्लो से ज़्यादा ब्लड फ्लो होता है सो दीज पैड्स आर रियली जाइंट और दे गो फ्रॉम फ्रंट टू बैक एंड हैव विंग्स, अच्छे से रैप करते हैं. तो दिस इज़ अ नॉन स्पॉन्सर्ड वीडियो एंड आई विल शेयर ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन सो दैट यू कैन फाइंड फ्रॉम वेयर टू बाई. इसमें 14 पीसेज हैं एंड इट्स वेरी सॉफ्ट. तो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है दैट आई फील कम्फर्टेबल वेन आई एम देयर, क्योंकि इतने सारे चेंजेस होंगे, घर नहीं होगा हमारा, इट विल बी हॉस्पिटल एनवायरमेंट डिफरेंट होगा. तो मेरी बॉडी कम्फर्टेबल होनी चाहिए, पता नहीं क्या होगा, कैसे डिलीवरी होगी, उसके बाद हाउ माई बॉडी इज गोइंग टू बी. सो द बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू फॉर माई सेल्फ एंड माई बॉडी इज मेक इट कम्फर्टेबल जितना मैं खुद से कर सकती हूँ. सो दैट्स आई एम मेकिंग श्योर दैट आई एम कैरिंग दीज. देन ऑब्वियसली दिस इज माई होम कमिंग आउटफिट. एंड प्रॉब्ली आई शेयर सम पिक्चर्स और वीडियो लेटर ऑन जब बेबी आएगा. बट दिस इज अ कश्मीरी श्रग, इट इज़ वेरी वेरी प्रिटी एंड माई हस्बैंड गिफ्टेड इट टू मी. और इसके साथ का पूरा सेट है. अगेन दीज आर पोस्टमार्टम पैंटीज, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मैं इसका लिंक डाल दूंगी नीचे क्योंकि अगर आपका सिजेरियन होता है तो द लास्ट थिंग यू वॉन्ट इज कि जो अंडरवेयर का जो लास्टिक हो इट सिट्स ऑन द कट, क्योंकि अगर कट पे बैठता है तो फिर आपको और प्रॉब्लम होगी, स्टिचेस को प्रॉब्लम होगी एंड यू विल फील वेरी अनकम्फर्टेबल. तो दीज आर हाई वेस्टेड, ऊपर तक जाते हैं, ब्रीदेबल है, एंटी बैक्टीरियल लेयर है इसमें, तो आपको काफ़ी बेटर फील होगा एंड यू विल बी एबल टू नेविगेट एंड डू थिंग्स आराम से. एंड देन मुझे पता है कि बहुत ठंड लगती है एंड वी आर इन हिल्स एज आई ऑलरेडी टोल्ड. तो यहाँ पे स्पेशली जब बहुत ज़्यादा फ्लूइड लॉस होता है और डिलीवरी के बाद आपका वेट भी थोड़ा अचानक से कम होता है तो यू फील कोल्ड एंड द लास्ट थिंग यू वांट टू डू इज़ और ठंडा फील करें. तो इसके लिए मैंने एक वॉर्म कैप रखी हुई है पहनने के लिए और इसके साथ ही मैंने कुछ वॉर्म सॉक्स भी रखे हुए हैं अपने लिए. आई एम जस्ट कैरिंग एवरीथिंग इन डार्क कलर. इवन फॉर द पैंटीज आई रिकमेंड कि आप डार्क कलर्स प्रिफर करें क्योंकि थोड़ा मेसी हो सकता है. एंड देन एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग are these nursing bras and I am just in love with these bras. This is from H&M. I'll share the link in the description. So as I told you, yahan pe ek space hai jisme aap nipple pads insert kar sakte hain and the fabric is so soft. Of course thode se kabhi kabhar kuch logo ke breasts hard ho jate hain ya fir thoda difficulty hoti hai, to uske liye sabse important hai ki kapda breathable ho, soft ho and this just feels like skin. It is so soft अंदर से भी और बाहर से भी एंड वेरी इजी. यहाँ से आप इसको ऐसे करके डिटैच करोगे एंड देन यू कैन जस्ट एंड दिस पोर्शन विल स्टिल बी अप. नेक्स्ट इज सम वाइप्स. सो दीज आर विटामिन ई एंड एलोवेरा वाइप्स. तो ये मैं अपने लिए यूज़ करूँगी, दिस इज़ नॉट फॉर द बेबी. इन केस अगर आपको मतलब सी सेक्शन होता है या जो भी होता है, यू आर जस्ट सिटिंग, यू वॉन्ट टू वाइप योर हैंड्स, जस्ट क्लीन थिंग्स, सो दिस विल कम हैंडी. एंड देन ऑफकोर्स आई एम कैरिंग सम कैश एंड इसमें मेरी कुछ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स हैं, कुछ आइडेंटिटी प्रूफ्स हैं जो हमें हो सकता है वहाँ पर ज़रूरत पड़े फॉर द इंश्योरेंस वर्क. और अगेन बोरिंग स्टफ बट वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंश्योरेंस वाली फाइल है मेरी. इसमें मैंने अपना मेरे इंश्योरेंस का पेपर वर्क रखा हुआ है,
साथ में आधार कार्ड है, पैन कार्ड है और अ फ्यू अदर डॉक्यूमेंट्स। इसके साथ ही मैंने अपनी फाइल रखी हुई है जिसमें मेरे सारे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शंस, USG रिपोर्ट्स स्टेट वाइज ऑर्गेनाइज्ड हैं। इन केस किसी को ज़रूरत पड़ती है कोई मेडिकल हिस्ट्री या कुछ भी देखने की थ्रू प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में कोई रिपोर्ट, तो वो सब इसमें एक साथ मिल जाएगा। नेक्स्ट मैंने एक वार्म स्टोल भी रखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ठंड यहाँ पे ट्रांजिशन का समय रहेगा और जैसे कि बॉडी को ठंड फील होती है तो प्रॉब्ली हेयर और गला वगैरह कवर करने के लिए ये काफ़ी अच्छा सा एक वार्म स्टोल है। इसके साथ मैंने एक हॉट वाटर पैक भी रखा है। दिस इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ माई लेबर टूल किट, वो उसमें ही आता नहीं है बट ये इसके लिंक भी मैं शेयर कर दूंगी। ये मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे रेकमेंड किया था एंड इसको मैंने काफ़ी यूज़ किया है। इसमें स्पिलेज और उसका कोई चक्कर नहीं है कि जैसे एक डर लगता है कि चार्जिंग पे लगा दिया तो ऑटो कट है इसमें, तो आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी से प्लग करके। इसके साथ का ये डिवाइस है जो इसमें प्लग इन हो जाता है और इसके अंदर का कॉन्टेंट हीट हो जाता है और इस कवर के साथ आता है ऐसे करके, तो उसको आप कवर में डाल दोगे तो डायरेक्टली स्किन पे नहीं, देयर विल बी अ बैरियर एक क्लॉथ का और आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करोगे क्योंकि अगर पेन होता है तो मसल में कॉन्ट्रैक्शन होती है उस टाइम पे ये थोड़ा रिलीफ दे सकता है आपको। बट ऑब्वियसली कोई भी हीटिंग पैड, कूलिंग पैड या कुछ भी इनमें से यूज़ करने से पहले आप अपने डॉक्टर से, गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लें क्योंकि अगर कोई हार्मोनल इंजेक्शन लगाए तो वहाँ पर कोई हीटिंग वाली चीज़ नहीं लगानी होती है। तो यू हैव टू मेक श्योर, ये बस मैं कॉन्ट्रैक्शंस के लिए जहाँ पे पेन होगा जब लेबर कॉन्ट्रैक्शंस होंगे उसके लिए ले जा रही हूँ, नॉट फॉर एनी इंजेक्शन, हीटिंग और एनीथिंग लाइक दैट। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें बिफोर यूजिंग एनी ऑफ दीज थिंग्स। नेक्स्ट मैं एक सिपर ले जा रही हूँ। ये सिपर बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है मेरे लिए क्योंकि डिहाइड्रेशन फील हो सकता है, फ्लूइड लॉस जैसे मैंने बोला होता है, तो लिप बाम तो वैसलीन तो एक टॉपिकल एप्लीकेशन जैसी चीज़ हो गई बट ये रियली हाइड्रेट करेगा और उस टाइम मुझे नहीं पता कि मैं कितना एग्जैक्टली वाटर पी पाऊंगी ग्लास से। तो इसमें एक स्ट्रॉ स्ट्रिपर रहती है तो वो स्ट्रॉ से आप धीरे धीरे सिप कर सकते हो, ईजिली अंदर चली जाएगी। सो आई रियली रिकमेंड हैविंग अ ग्लास, हैविंग अ बॉटल और अ सिपर विद अ स्ट्रॉ सो दैट यू कैन स्लोली स्लोली स्लिप सिप कीप सिपिंग इट। एंड आई एम ऑल्सो कैरिंग दीज न्यू बॉर्न पैम्पर्स डाइपर्स। आप मैं आई एम नॉट प्लानिंग टू यूज़ दिस, मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मेरी मदर इन लॉ और मेरी मदर बहुत सारी लंगोटियाँ लेके आने वाली हैं और आई एम अ लिटिल ओल्ड स्कूल, आई एम थिंकिंग क्योंकि बच्चों को रैशेज हो जाते हैं तो इनिशियली मैं वही लंगोट पहनाना प्रेफर करूँगी। और बहुत सारी कलरफुल लंगोट बनी है हमारे घर में, नानी दादी ने बनाई है तो होपफुली मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बट स्टिल आई एम कैरिंग जस्ट इन केस क्योंकि दोनों लोग आउट स्टेशन हैं, हमें कब जाना पड़ेगा हॉस्पिटल हमें पता नहीं, उस समय कौन अवेलेबल होगा, तो दिस इज़ जस्ट लाइक अ सेफ्टी नेट। तो इसको मैंने रखा हुआ है, ये न्यू बॉर्न बेबी के लिए है, अप टू 5 kg 0 ईयर्स के लिए है, इसमें 10 पीसेज हैं। सो दैट्स अनदर थिंग। लास्ट इज़ अ वेरी क्यूट थिंग दैट इज़ गोइंग टू कीप मी हैप्पी। अगेन देखिए इसमें भी मैंने लिप बम रखा हुआ है बिकॉज मैं भूल जाती हूँ पानी पीना और मेरे होंठ बहुत सूखते हैं, तो मैंने अलग अलग जगहों पे लिप बम रख दिया ताकि मुझे दिख जाए वो कहीं ना कहीं से उस सिचुएशन में। और इसमें मैंने अपने ईयरफोन्स रखे हुए हैं तो मैंने अपने फ़ोन में जो भी इस बैग का पार्ट होना चाहिए उसमें मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें मैंने सारे मंत्र डाउनलोड करके रखे हुए हैं जो मुझे पीस और काम देते हैं, हिम्मत देते हैं। तो मैंने मेरा ये प्लान है कि जब मैं जाऊंगी लेबर में तो मैं अपने सारे जो भगवान के मंत्र हैं वो सारे कान में लगा के सुनती रहूंगी और अफर्मेशंस भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए वो वर्क करता है कि यस आई कैन डू इट, हम कर सकते हैं, मैं कर सकती हूँ, उस टाइप की चीज़ें भी आप डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने फ़ोन में। मेरे लिए अ लॉट ऑफ टाइम्स बहुत सारे मंत्र वर्क करते हैं, काफ़ी स्ट्रेंथ देते हैं, हनुमान चालीसा हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो मैं सुनूंगी इसलिए मैं ये ले जा रही हूँ। एंड यस आई थिंक दैट्स अबाउट इट। एक चीज़ रह गई है, मैं वो तो मेरे न्यू बॉर्न फेवरेट आउटफिट्स हैं, एक्चुअली ये भी मेरा बहुत फेवरेट है, दिस इज सो क्यूट, इट इज़ अ स्लीपिंग बैग। ये मेरे बैग में आया नहीं तो ये हम फोल्ड करके कार में ले जाएंगे और इसे अभी वॉश करना बाकी है क्योंकि ये आज ही डिलीवर हुआ है। तो इसमें फोम का काफ़ी अच्छा इंसुलेशन है टू कैरी द बेबी। अगेन जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे अभी ठंड है तो आई वांट टू मेक श्योर कि प्रॉपर इंसुलेशन रहे और हम कार से जब वापस लेकर आए बेबी को तो इसमें काफ़ी अच्छी कुशनिंग रहेगी
तो उसलिए भी ये काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और सिक्योरिटी भी। तो इसमें इसकी एक बहुत अच्छी बात है कि इसकी जिप ऐसे खुल जाती है और ये एक बेड टाइप से भी बन जाता है, ऊपर की जिप खोलकर आप इसको बेबी को लिटाने के लिए बेड टाइप बना सकते हैं छोटा सा। तो इसके डबल यूज हैं और इसका प्रिंट भी बहुत क्यूट है, मुझे ऐसा लगता है कि ये बेबी का छोटा सा घर जैसा है। तो दिस इज अनदर थिंग दैट आई विल बी कैरिंग, इसको हम कार में डाल देंगे एंड यस आई थिंक दैट्स अबाउट इट। सो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है जो आपको लगे कि एक्स्ट्रा है तो आप उनको स्किप कर सकते हैं, अगर कुछ लगे कि मिसिंग है तो आप अपने बैग में उसे ऐड कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप वहाँ पे पीसफुल रहे और काम रहे और आपकी डिलीवरी सेफ और हैप्पी हो। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, बाय टू द नेक्स्ट टाइम। अरे ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो टू हिट द लाइक बटन।